नमस्कार, सुमन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आमले का अचार और इसे हम बिना तेल के बनाएंगे। आमले का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो आंवला लिया है और इसको हमने अच्छे से धो लिया है। आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी ली है। तो सबसे पहले हम आमले को बॉईल करेंगे। पानी हम उतना ही ऐड करेंगे जितने कि आमले पानी में डूब जाए। अब पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और आमले ऐड कर देंगे। आमले डालने के बाद गैस का फ्लेम फिर से हाई कर देंगे। अब हम इसमें नमक और हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। नमक और हल्दी ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे 3 से 4 मिनट बॉयल होने देंगे। आमले को आप जब भी उबालें तो आप उसे स्टील के बर्तन में ही उबालें। एल्युमिनियम के बर्तन को आप अवॉइड ही करें क्योंकि आमले में विटामिन सी और आयरन काफ़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से बर्तन खराब हो जाते हैं और जब हम आमलों को धूप में सुखाएंगे तो उनका कलर भी काला हो सकता है। और अब 3 से 4 मिनट उबाल लिया है, इसको हम ओवर कुक नहीं करेंगे। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो हम आमलों को पानी से बाहर निकाल लेंगे। और अब ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हम इन्हें बर्तन में निकाल लेते हैं। हल्दी डालने की वजह से आमलों का जो कलर है बहुत ही अच्छा आया है। और अब हम इनको काट कर इनकी फांके अलग कर लेंगे। अब हमने आमले की सभी फांके अलग कर ली हैं, तो हम इसे पतले कपड़े पर फैलाकर 1 दिन की धूप लगवाएंगे और फिर इसका अचार बनाएंगे। आमलों को हमने 1 दिन की धूप लगवा ली है और अब ये इस तरह के हो गए हैं। इन्हें पूरी तरह नहीं सुखाना है, थोड़ा मॉइस्चर बाकी रहे इस तरह से रखना है। और जब आप इन्हें तोड़ें तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर हो, बिल्कुल कड़क नहीं करना है, सुखाना नहीं है ज़्यादा, सिर्फ 1 दिन की धूप जो है वो काफ़ी है इनके लिए। और अगर आप किसी भी वजह से आमलों को धूप में नहीं सुखा पा रहे हैं तो आप पंखे के नीचे इन्हें फैलाकर 15 से 20 घंटे सुखा लें और उसके बाद इसका अचार बनाएं। तो अचार बनाने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं वो भी देख लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मेथी दाना लिया है। तो सबसे पहले हम अजवाइन, मेथी और सौंफ को ड्राई रोस्ट करेंगे और उसका दरदरा पाउडर बनाएंगे। मसालों को हम उतना ही ड्राई रोस्ट करेंगे जिससे कि उनकी नमी ख़त्म हो जाए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये काफ़ी गर्म हो गया है, अजवाइन इसी में रोस्ट हो जाएगी। हमने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। सबसे पहले हम मेथी को ग्राइंड करेंगे। मेथी को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, दरदरा रखा है। अब हम इसमें अजवाइन और सौंफ भी ऐड कर देंगे। इन्हें भी ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, दरदरा ही रखा है। तो अब हम अचार बनाना शुरू करते हैं। नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, लाल मिर्च और ये जो हमने मसालों का पाउडर बनाया था इसे भी डाल देते हैं, चीनी। और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। क्योंकि हम इसमें तेल नहीं डाल रहे हैं तो अभी ये काफ़ी सूखा है, पर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अचार जो है बहुत ही अच्छा और बढ़िया बनेगा। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट बॉटल में भी डाल सकते हैं। 1 घंटा हो गया है और अब हम इसका ढक्कन हटाकर देख लेंगे और मिक्स करेंगे इसको। अब देखिए ये कितना मॉइस्ट हो गया है और धीरे धीरे ये मॉइस्ट होता जाएगा और 3 से 4 दिन में ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे बॉटल में भर देंगे।
अचार को हम कांच की बॉटल में डालेंगे। तो इसको हमने अच्छे से गर्म पानी से धोकर सुखा लिया है। और अचार कोई भी बनाए तो उसको कांच की बॉटल में या मर्तबान में डालें, अचार लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब हमने बॉटल में अचार को भर दिया है तो हम इसको ढककर रख देंगे और 3-4 दिन बीच बीच में हम इसको हिलाते रहेंगे। अब 3 दिन हो गए हैं और अचार ने अपना जूस अच्छे से छोड़ दिया। और देखिए अब इसमें पानी दिख रहा है, हमने जब डाला था एकदम सूखा था और अब इसमें पानी दिख रहा है। और मैं खोल के भी दिखाती हूँ, देखिए आंवले का बिना तेल का बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार है। और ये थोड़ा सा खाने में क्रंची है और आप इसे 6 से 8 महीने तक बिना फ्रिज में रखे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी बनाएं, अपने परिवार को खिलाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।